नमस्कार, मैं आपके साथ श्वेता कुशवाहा और आज हम आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आए हैं जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि इस तरीके के मामले कम ही जानने को मिलते हैं। अब हुआ कुछ ऐसा कि बैंक खाता एक लेकिन मालिक दो, एक पैसे डलवाता रहा तो दूसरा ये सोचकर पैसे निकलवाता रहा कि मोदी जी पैसे डाल रहे हैं। घूम गए ना आप भी। दरअसल मध्य प्रदेश के भिंड में एक शख्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी भाषण को इतना ज्यादा सीरियस लेकर गया कि अब खुद ही वो परेशानी में आ गया है। आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे, तो चलिए आपकी बेकरारी को दूर करते हैं और पूरे मामले से आपको रूबरू करवाते हैं। मामला भिंड जिले के आलमपुर में स्थित SBI बैंक का है। यहाँ बैंक की गलती से एक शख्स की गाड़ी कमाई कोई दूसरा उसके खाते से निकालता रहा, ये समझकर कि पैसा मोदी जी भेज रहे हैं, और वो बेचारा मेहनत की पूंजी जमा करता रहा, लेकिन उसे क्या मालूम था कि पैसा अकाउंट में डलवा कर सेव नहीं कर रहा बल्कि खर्च कर रहा है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि यहाँ रुरई गाँव के रहने वाले हुकुम सिंह और रोनी गाँव के रहने वाले हुकुम सिंह दोनों ने आलमपुर ब्रांच में खाता खुलवाया। बैंकर ने क्या किया कि पासबुक में सिर्फ फोटो अलग अलग लगवाई, बाकी दोनों का पता और खाता नंबर एक ही डाल दिया, यानी कि खाता एक और मालिक दो। अब ये इत्तेफाक है या बड़ी गलती, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन एक का पैसा गया तो दूसरे ने जरूर आनंद उठाया। सुनिए जरा इन जनाब की। सर, हमारा एक खाता था, हमारा पैसा आया उसमें, हम सोच रहे थे मोदी जी हमको पैसा दे रहे हैं, तो हम समझ रहे हैं कि हमारा खाता में पैसा आया तो हम निकाल लिया हमें। अब वो कहना वो हमारे पास पैसा नहीं था, हमारी मजबूरी थी, पैसा निकाला है हमने, हमको मजबूरी, घर में काम किया है हमने, इसलिए हमारा खाते में पैसा आया, हमने निकाल दिया है। किसकी लापरवाही मानी जाएगी? बैंक वालों की लापरवाही मानी। आगे की कहानी भी सुन लीजिए। खाता खुलवाने के बाद रुरई का हुकुम सिंह कुशवाहा रोजी कमाने हरियाणा आ गया। यहाँ पैसे बचाकर वो खाते में जमा तो करवाता रहा, उधर रोनी गांव का हुकुम सिंह बैंक पहुंचकर पैसे निकलवाता रहा, वो भी एक दो नहीं पूरे 6 महीने तक। 6 महीने में कमाने वाले हुकुम सिंह के खाते से खर्च करने वाले हुकुम सिंह ने पूरे के पूरे 89,000 निकाल दिए। अब मामले का खुलासा तब हुआ जब रुरई गांव वाले हुकुम सिंह को जमीन खरीदनी थी, जिसके लिए वो 16 अक्टूबर को रुपए निकलवाने बैंक पहुंचे थे। या उन्होंने देखा कि उनके खाते में सिर्फ 35,400 रुपए ही बचे थे, जबकि उनके मुताबिक वो अब तक 1,40,000 रुपए जमा करवा चुके थे। इसके बाद उन्होंने बैंक कर्मियों से इसकी शिकायत की, लेकिन उनका ये आरोप है कि इस बात को बैंक के अधिकारियों ने दबाने की कोशिश की है। अब देखिए, ये तो बेहद ही अजीबोगरीब मामला है। जिसने भी सुना वो इस सोच में पड़ गया कि वाकई में ऐसा हुआ है, लेकिन बैंक की तरफ से बड़ी लापरवाही जरूर हुई है, क्योंकि मेहनत की कमाई किसी की और फायदा कोई और उठाता रहा, जिसकी वजह बैंक की लापरवाही है। अब आप भी ध्यान रखिएगा और मोदी जी के भाषण को सीरियस इतना मत ले लीजिएगा कि आपके खाते में पैसे आए और आप उसको चेक भी ना करवाएं। क्या पता आपके साथ भी कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि बाद में परेशानी तो आपको ही होनी है।